नमस्कार। आजादी का त्योहार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर के शहर में प्रतिवर्ष तैयारियां उसके ठीक एक महीना पहले से शुरू हो जाती है और इस वर्ष भी योर्स क्लब के द्वारा जो उनका खास एक कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न आजादी कार्यक्रम, जिसमें शहर के तमाम विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। वे अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं और उन्हें पारितोषिक भी दिया जाता है। उसी को लेकर लगभग एक महीने से तैयारी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं हमारे साथ योर्स के तमाम सदस्य बैठे हुए हैं और रात के लगभग अभी 9 बज रहे हैं और इस समय भी ये लोग तैयारी को लेकर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं अभी योर्स के अध्यक्ष संजय शर्मा जी। क्या तैयारियां चल रही है और मतलब कितना काम अब तक हो चुका है, क्या कुछ बाकी? लगभग आप तो देख ही रहे हैं कि ये कार्यक्रम की तैयारी हम लोग बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं विगत कुछ दिनों से, और अब जितना भी हम लोग का आउटलाइन जो तैयार करना था कार्यक्रम का वो कर चुके हैं। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल होता था उसको और बृहद पैमाने पर इस बार हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ 10वीं के छात्र को जो टॉप किए हैं उनको भी सम्मान देने का इस बार हम लोग का कार्यक्रम है और उसी में हम लोग सभी लगे हुए हैं, सभी योर्स के सदस्यगण। प्रसाद चटर्जी जी हैं, योर्स के सचिव हैं, नवनियुक्त सचिव हैं। क्या एजेंडा है और किस प्रकार से आप लोग लगे हुए हैं, कैसा कार्यक्रम होगा इस बार, कैसी प्रस्तुतियां दिखाएं? आजादी का महोत्सव का 5 दिन और बाकी है और ये एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। जैसे हमारे अध्यक्ष ने बताया कि प्रतिभाशाली बच्चे जो है उनको स्वागत किया जाएगा एवं उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और मधुपुर के जो स्कूल हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी तैयारी है। सभी बच्चे बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और हम लोग अभी चरणबद्ध तरीके से बहुत आगे बढ़ना है और बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में एक बहुत अच्छा मुकाम तक हम लोग ले जाएंगे। हमारे साथ हैं योर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुभाष सिंह जी। आप भी लगातार लगे हुए हैं, देर रात तक मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, दिन भर तैयारी का भी जायजा लेते हैं। क्या लग रहा है कार्यक्रम कैसा हो? कार्यक्रम बहुत ही सुपर और लाजवाब होगा। ये जो उत्सव एक बहुत बड़ा त्योहार है हम लोगों का, 15 अगस्त को इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मधुपुर के इतिहास में ये सबसे लाजवाब हम लोग का रहेगा ये प्रोग्राम। आप मधुपुर के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चे, परिवार के लोग, बड़े बूढ़े जो भी है, सभी कोई आइए और शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम को देखिए और इसका आनंद उठाइए और हम लोग इस उत्सव को धूमधाम से मनाएं 15 अगस्त को। धन्यवाद। योर्स के सदस्य हैं सुशील सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या लगता है इस बार के कार्यक्रम में कैसा उत्साह दिख रहा है सदस्यों के? हर साल से ज्यादा बढ़ चढ़ कर बृहद रूप में इन साल किया जा रहा है और अब की एक नगर हॉल में होता था जो कि जगह कम हो जा रहा था, लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसके लेकर योर्स के सभी सदस्यों ने डिसाइड किया कि ओपन जगह में किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग आके देखें, सभी महिला, सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी आवे और शांतिपूर्वक देखें। सभी तरह का व्यवस्था है, किसी तरह का कोई अशांति का ये नहीं है और अच्छा प्रोग्राम होगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने को लेकर के अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं यहाँ तमाम सदस्य। योर्स के सह सचिव हैं अभी ताज भाई हैं, किस रूप में तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से और ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों का पीजी स्कूल के मैदान में बहुत ही भव्य तरीके से प्रोग्राम होने जा रहा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि सब आए और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्राम को देखने का काम करें। नीलेश जी हैं मधुस्थली के और साथ ही योर्स के भी सदस्य हैं और इनका भी भरपूर सहयोग इस कार्यक्रम में मिल रहा है और ये भी लगातार कई मीटिंगों में हिस्सा लिए और कार्यक्रम की तैयारी को लेकर हैं। क्या लगता है कैसा कार्यक्रम देंगे? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि योर्स जो है प्रत्येक वर्ष अपने नए नए कार्यक्रम के थ्रू नए नए आयाम को गढ़ रही है, तो आने वाले वर्षों में भी मधुस्थली में इस तरीके हमारे योर्स के प्लेटफॉर्म पे कई कार्यक्रम होना है, जिसमें हम चाहेंगे मधुपुर के तमाम नगर वासियों से कि आप आए और अपने बच्चों का उत्साह वर्धन करें और साथ ही साथ योर्स का भी मनोबल दिनों दिन बढ़ाएं। धन्यवाद। बिल्कुल है, तमाम सदस्यों में उत्साह है, लेकिन इस कार्यक्रम को सबसे अधिक अगर रुचि ले रहे हैं और सबसे ज्यादा इसमें उत्साह ले रहे हैं तो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं कन्हैया लाल कन्नू जी
और वो उनसे जानकारी लेते हैं, लगातार आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सबों को, सदस्यों को, साथ ही जो भी विधि व्यवस्था है उससे भी आप रूबरू हो रहे हैं। क्या लग रहा है, कहाँ तक काम हो चुका है, कितना परसेंट काम बाकी है? कार्य जो है प्रगति पर है और योर्स के जितने भी सदस्य हैं, इसमें लगभग 38 सदस्य हैं योर्स के, और 38 सदस्यों का जो समूह है, सबों का सहयोग हम लोगों को बराबर बराबर मिल रहा है। खासकर मधुपुर के जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनका काफ़ी सहयोग है, छात्रों का काफ़ी सहयोग है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। और इसी के तहत हम लोगों का कल ट्रायल भी होने जा रहा है, बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा और चयनित प्रोग्राम को हम लोग मंच पर हम लोग उसको प्रस्तुत करवाएंगे। और कार्यक्रम का जो एंकर के रूप में है हमारे रामचंद्र झा जी और राजेश कुमार जी, इसका इस कार्य को करने में हम लोग सहयोग करेंगे। और ये श्यामा प्रसाद उच्च विद्यालय के प्रांगण में हम लोग पहली बार कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग मधुपुर कल्चर सोसाइटी के बैनर के तले हम लोग इस कार्यक्रम को करते थे, लेकिन योर्स का यह प्रोग्राम ओपन में पहली बार हो रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस तरह का सहयोग हमारे सदस्य लोग दे रहे हैं, जिस तरह का सहयोग सदस्य लोग दे रहे हैं, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। और खास बात इस कार्यक्रम की यह है कि इस कार्यक्रम के लिए हमारे मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री माननीय हफीजुल हसन साहब खासी रुचि ले रहे हैं इस कार्यक्रम की, और उनका भी काफ़ी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। और विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और तथा इस कार्यक्रम के जरिए मधुपुर वासियों को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि योर्स हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों के में और अन्य कई कार्यक्रमों में हम लोग फ्रंट पर हम लोग काम करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नू जी। तो साफ तौर पर में योर्स का जो विजन हमेशा से रहा है कि शहर में हमेशा नई चीजें, नई प्रतिभाओं को खोज कर लाना, उसी मकसद से योर्स फिर से इस बार स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर अद्भुत कार्यक्रम लेकर आ रही है, जो कि विगत दशक पहले इस एडवर्ड जॉर्ज, माफ कीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित होता था, और वही उससे बड़ा पंडाल, उससे बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। लाखों की खर्च है, लाखों की लागत लग रही है, तमाम सदस्य सहयोग कर रहे हैं, साथ ही मधुपुर के वैसे समाजसेवी जो कि ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन करने में अपना सहयोग देते हैं, उनका भी सहयोग है। मधुपुर अनुमंडल प्रशासन, अनुमंडल पुलिस प्रशासन, साथ ही इस क्षेत्र के विधायक व सूबे के मंत्री माननीय हफीजुल हसन साहब का भी भरपूर सहयोग है, वे प्रतिभाओं को निखारने में अपना पूरा सहयोग देते हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी भरपूर भूमिका निभा रहे हैं। तमाम योर्स के सदस्य लगे हुए हैं। 10 तारीख को ट्रायल होना है और उसके बाद फाइनल प्रोग्राम तय हो जाएगा, कितने पार्टिसिपेंट्स प्रोग्राम करेंगे, इसके बाद फिर आगे की अपडेट फिर मैं आप सबों को देता रहूंगा। आप लोग कार्यक्रम 15 अगस्त को संध्या 5 बजे आना ना भूले, जरूर इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय के मैदान में। विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जी।